इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि जिस इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन इस धरती का त्याग भी करना है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, ये परम सत्य है कि मानव शरीर जो है वो नश्वर है और जिसने भी इस नश्वर शरीर में जन्म लिया उसे एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना जरूर पड़ेगा। ये बात जरूर है कि जहाँ कुछ लोग जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग दीर्घायु जीते हैं, आयु जीते हैं। पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस धरती पर रहकर इस जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं वो लोग जो गलत कार्यों में जुड़े रहते हैं और पूरी जिंदगी बुराई का साथ देते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। वैसे तो ये भी सत्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। बस मान्यताओं के आधार बातों को स्वीकार लेते हैं और इन्हीं मान्यताओं में से मनुष्य की मृत्यु के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्मा को बिना परेशानी से उसके निर्धारित स्थान तक पहुंचाना होता है। और इन्हीं सभी रिवाजों में से गरुण पुराण का पाठ, जी हाँ, बहुत कम लोग होंगे जो इस खबर से बेखबर होंगे कि आखिरकार मृत्यु के बाद गरुण पुराण का पाठ क्यों किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद गरुण पुराण का पाठ क्यों किया जाता है तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। जी हाँ, गरुण पुराण दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में श्री हरि के स्वरूपों का वर्णन है और दूसरे में जीवन मरण को बताया गया है। इस भाग में शरीर को त्यागने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या किया जाता है इसका भी जिक्र होता है। जन्म, मृत्यु, श्राद्ध आदि के महत्व को भी इसी भाग में समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर मृत्यु के बाद गरुण पुराण का पाठ कराया जाए तो ऐसे में मृतक की आत्मा को शांति और धरती के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि परिवार में किसी के मृत्यु के बाद गरुण पुराण का पाठ किया या किसी ब्राह्मण द्वारा करवाया जाता है, सामान्य तौर पर एक आम इंसान के दिल में जन्म और मृत्यु से जुड़े कई बड़े सवाल होते हैं जिसके सभी जवाब जो हैं वो गरुण पुराण में छुपे हुए हैं। गरुण की गई बातों और मृत्यु की सच्चाई जानने के बाद परिवार वालों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा परिवार जन सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी होते हैं। ये बात तो हम अक्सर ही सुनते आए हैं कि हम अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, लेकिन गरुण पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कर्मों और कुकर्मों को जीती है। गरुण पुराण के अंदर श्रीहरि के 24 अवतारों का न सिर्फ जिक्र किया गया है बल्कि उनके जीवन को रूपित भी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि गरुण पुराण का आधार पृथ्वी के पहले इंसान मनु और ब्राह्मण का उद्भव है। इसके अलावा गरुण पुराण शिव पार्वती के संबंध, सूर्य मंत्र, सरस्वती, इंद्र आदि का संकलन भी करता है। बहुत सी ऐसी मान्यताओं को लेकर गरुण पुराण का पाठ मृत्यु के बाद करवाया जाता है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।